से मुराद ये कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आई एम होस्टिंग आई एम यूजिंग अ वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल गूगल डॉट कॉम में यूज कर रहा हूं तो उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स हैं है पैरामीटर से मुराद ये कि जी दे शुड बी अ गुड इंटरनेट कनेक्शन देर शुड आई शुड हैव एक्सेस टू द इंटरनेट आई शुड हैव अ कंप्यूटर और लैपटॉप और एवर जिसके ऊपर ब्राउजर चल रहा होना चाहिए स्पीड सही होनी चाहिए एंड सो ऑन अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली मैं एक सर्विस या एक सॉफ्टवेयर को मैं यूज नहीं कर सकता अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर कोई फेलियर आ जाता है यानी मैं क्लाइंट साइड में बैठा हूं मैं मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं एंड आई एम ट्राइंग टू यूज द दर्विस मैं जी मेल पर लॉग इन होने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई एम नॉट बींग एबल टू कनेक्ट अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं रिस्क एनालिसिस अप्रोच ये कहती है कि जब भी आप Uh, आप कोई वेन एवर यू आर हैविंग सम सम इशू और खास तौर पे क्वालिटी मिसिंग से यानी जो क्वालिटी की रिक्वायरमेंट अगर मिस हुई है उससे रिलेटेड कोई अगर इश्यू आ रहा है और आपने रिस्क एनालिसिस अप्रोच यूज करनी है तो यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑल द फैक्टर्स जो कि के, जो कंट्रीब्यूट के कर सकते हैं नंबर वन नंबर टू कि आपको उन फैक्टर की ऑब्वियसली टाइम और लोकेशन नहीं पता मतलब यू नेवर नो कि इंटरनेट का कनेक्शन कहां से ब्रेक हो रहा है यू आर यू आर कॉलिंग योर वेंडर यानी अपनी आप आईएसपी को या जो भी आपको इंटरनेट सप्लाई कर रहा है आप उसे कॉल कर रहे हो एंड दे सेड कि देखी हमारे पास कनेक्शन तो सही आ रहा है देर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद योर साइड अब योर साइड से मुराद बेतहाशा फैक्टर्स हो सकते हैं कि जी आपके जो ऑफिस के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो कनेक्शन की सप्लाई आ रही है वहां पर कोई ब्रेकेज आ रहा है विद इन ऑफिस कहीं फॉर एग्जाम्पल कोई केबल ब्रेक हो गई है एंड सो ऑन देर आर मेनी फैक्टर्स तो यू के नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई द टाइम एंड लोकेशन यानी किस वक्त इंटरनेट ब्रेक हुआ है या कहा ब्रेक हो रहा है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट तो वट आई एम ट्राइंग बेतहाशा इश्यूज होते हैं वेन एवर वी टॉक अबाउट इन द कॉन्टेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड आई टीबल सर्विसेज ये बड़ी कॉमन चीजें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती है नंबर वन और हमें हर क्वालिटी सर्विस के अगेंस्ट उसके रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं और रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली दो चीजें आई विल कीप द डिस्कशन एज लेस मैथमेटिकल एज आई वुड यानी मैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं करूंगा नीदर स्टार्ट वेरी सिंपल दो फैक्टर्स हैं नंबर वन हर सर्विस को लिस्ट डाउन कर लें एक्स वाई जी सी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ब्राउजर चाहिए फॉर एग्जाम्पल वीपीएन चाहिए या आपको सिक्योर एक्सेस चाहिए इंटरनेट स्पीड एक्स अमाउंट की होनी चाहिए सीपीयू की स्पीड इतनी होनी चाहिए सो ऑन so सारी आप सर्विसेज को लिस्ट डाउन करें देन देन ट्राई टू फाइंड आउट कितनी प्रॉबिलिटी है किसी भी सर्विस के फेलियर की दैट इज वॉट वी कॉल रिस्क दिस इज रिस्क अनालिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग डाउन यानी वो क्या प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ हंड्रेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या रेशियो है या क्या परसेंटेज है या क्या चांस है कि यह सर्विस आपकी वेलेबल हो सकती है या डाउन हो सकती है नंबर वन नंबर टू सबसे क्रिटिकल कि अगर एक्स सर्विस डाउन हो रही है तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है दैट इज हाउ वी ड्राइव आर इज इक्वल टू पी इन टू आई के क्या प्रॉबिलिटी है आई मीन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड देन उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है एम आई नॉट गेटिंग टू माई कोर वेबसाइट नंबर वन नंबर टू अगर मैं लॉग इन हो भी गया हूं तो जो मैं डाटा डाउनलोड करने जा रहा हूं फॉर एग्जाम्पल तो उस पर फॉर एग्जाम्पल कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जी कोई एंटीवायरस आ गया अटैचमेंट के अंदर या कोई एंटीवायरस मैंने अन इंटेंशनली हाई क्रिटिकल लेवल का मैंने इंस्टॉल कर दिया जो कि मेरे डाउनलोड ही अनेबल नहीं होने दे रहा एंड सो ऑन तो यू नीड टू जस्ट आइडेंटिफाई टू थिंग्स कि कौन कौन सी सर्विसेज मुझे चाहिए उन सर्विसेज की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ ऑफ गेटिंग डाउन और उसका यानी वो वो कितने को फीसर खराब हो सकती है कितना चांस है नंबर वन नंबर टू उस प्रोबेबिलिटी को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें कि उसकी वाज, उसकी वजह से क्या चीज इंपैक्ट हो रही है फ्रॉम द स्केल ऑफ वन टू जीरो गेट द रिस्क दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच इन आइडेंटिफाइंग द इंपैक्ट ऑफ मिसिंग क्वालिटी एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस ये अप्रोच अमूमन हम यूज करते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है